साहब आदिवासी होने का फायदा उठाता है युवक, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर करता है वसूली। एसपी को आवेदन देने आए पुनीत कुमार पुत्र अवध कुमार शर्मा निवासी ग्राम बुरकरा ने बताया कि कमोदा पुत्र गणेश आदिवासी अपने आदिवासी होने का फायदा उठाता है और झूठे प्रकरण कायम कराने की धमकी देकर पैसा वसूलता है। इस व्यक्ति से यहां के रहने वाले रहवासी परेशान हैं। 19 मार्च को गणेश हमारे घर आया और अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आया। उस समय घर में केवल छोटे छोटे बच्चे थे। गणेश इन छोटे बच्चों के साथ भी गाली गलौज करने लगा और मामले को लेकर हमने खनिया थाना थाने में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। उस व्यक्ति के द्वारा हम पत्नी के द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि 2,02,000 नहीं तो तुम पर छेड़खानी का केस दर्ज करवा दूंगा। मामले को लेकर अब जल्द कार्यवाही की बात उसने मांग की है। यही मतलब कि वो कमोदा आदिवासी है, वो मतलब घर पे आता है, दारू पी के रोज गाली देता है और कहता है दारू के लिए पैसे दो वरना बहुत बुरा होगा ऐसा वैसा, और ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा उनसे बोलो तो कपड़े उतार लेता है और बहुत गंदी गंदी गाली देता है। और घर पे पापा लोग कोई थे भी नहीं, रोज आता है तमाशा बताता है, ना पढ़ने जाने देता है, स्कूल जाते हैं तो बीच में आ जाता है, कहता है कि तुम स्कूल नहीं जाओगे पहले दारू को पैसे दो वरना हम तुम्हें मार के फेंक देंगे ऐसा वैसा, बहुत गंदी तरीके से बात करता है। कार्रवाई होगी, ये बोला कि आप मतलब कार्रवाई होगी। कितने दिन से परेशान करता है तो आपके? रोज एक महीने हो गया, रोज परेशान करता है। थाने में शिकायत की थी इसकी आपको? बोला था क्या कहना थाने वालों? कुछ नहीं, कुछ नहीं, लोगों ने आ जाती है। मेरी बहनों ने मुझे बताया कि एक आदिवासी व्यक्ति आके दारू पीकर पैसे मांग रहा था, जिसने मना किया पैसे देने से तो वो गाली गलौज करने लगा और अभद्रता करने लगा। जब इसकी शिकायत हमने खनिया थाना थाने पर की तो थाना प्रभारी जी ने हम पर उल्टी कायमी छेड़खानी का केस कायम किया है, और हमने जब अपना आवेदन दिया तो हमारे आवेदन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी छोटी छोटी बहनें हैं जो 12 साल 14 साल की हैं, इन पर कोई मतलब इन्होंने जब आवेदन दिया तो थाना प्रभारी जी ने सीधा सीधा कहा कि आप लोग झूठ बोलते हैं और आप लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, इसको बात को लेकर टाल दिया। करीब 10 दिन से मैं लगातार साहब से बोल रहा हूँ कि मैं आदिवासी उसका भी परेशान है, दारू पीकर वो गाली गलौज करते हैं, तो और साहब ने जो पैसों की मांग करते हैं अगर थाने पे जाओ तो वो ये कहते हैं पैसा दो तब कायमी होगी, अगर ऐसे पैसा देंगे तो कहाँ तक पैसा देंगे, कहाँ तक क्या करेंगे। इसीलिए हम एसपी ऑफिस आए हुए हैं, आज यहीं पर बैठे। हाँ, पैसे मांगे हुए थे दूसरे व्यक्ति के थ्रू, पैसा की मांग 10,000 रुपये की मांग की हुई थी, पैसा देने मना करने पर मेरी डायरेक्ट मुझ पर छेड़खानी का आरोप लगाकर मुझ पर केस कायम किया गया। एसपी ऑफिस आए हैं तो समाधान के लिए साहब ने कहा कि जाँच कराएंगे इसकी।